हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली सभी पर्वों में से सर्वश्रेष्ठ पर्व बस्तर का दशहरा। दोस्तों, यहाँ से पिछले बार जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उन पर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हाल ही में पीएससी ने प्रश्न पूछा था कि बस्तर का दशहरा कितने दिनों का होता है, तो ऐसे प्रश्न जो कि व्यावसायिक मंडल द्वारा, राज्य पीएससी द्वारा व अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा पूछी जाती है, तो दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का दशहरा होता है उसको डीपली कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज बस्तर का दशहरा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में आयोजित होने वाली पारंपरिक पर्वों में से सर्वश्रेष्ठ पर्व है। बस्तर दशहरा पर्व का संबंध महाकाव्य रामायण के रावण वध से संबंधित नहीं है, ठीक है। जैसा हम सोचते हैं कि बस्तर दशहरा जो है रामायण काल से संबंधित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपितु इसका संबंध सीधे महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है। कैसे, उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। पौराणिक वर्णन के अनुसार अश्विनी शुक्ल दशमी को माँ दुर्गा ने अत्याचारी महिषासुर को सिराच्छुदन, है ना, सिर को काट करके अलग किया था। यह पर्व निरंतर 75 दिनों तक चलता है। यहाँ रखेगा, ये प्रश्न यही पूछा गया था कि बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है, तो ऑप्शन आप जब भी लेंगे 75 दिनों का लेंगे। पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या से होती है। बस्तर दशहरा में राज्य के दूसरे जिलों के देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा फोकस कर ले, तो इसकी इतिहास देखें तो बस्तर के चौथे काकतिया या चालुक्य नरेश पुरुषोत्तम देव ने एक बार श्री जगन्नाथपुरी तक पैदल तीर्थ यात्रा कर मंदिर में स्वर्ण मुद्राएं तथा स्वर्ण आभूषण आदि सामग्री भेंट में अर्पित की थी। यहां पुजारी ने राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि से विभूषित किया। अब इसमें देखिए गोचा की शुरुआत, है ना, गोचा क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं। बस्तर के दशहरा में गोचा का क्या महत्व है, ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। जब राजा पुरुषोत्तम देव पूरी धाम से बस्तर लौटे तब उन्हें धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा का शुभारंभ किया। तभी से गोचा और दशहरा पर्वों में रथ चलाने की प्रथा चल पड़ी। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि गोचा पर्व की शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर ये होगा कि जब राजा पुरुषोत्तम देव ने पूरी धाम से वापस अपने बस्तर लौटे तो उनका जो है धूमधाम से स्वागत किया गया और उसी से ही बस्तर का दशहरा मनाना प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखें काच्छन देवी और दशहरा। 1725 ईस्वी में काच्छन गुड़ी क्षेत्र में महारा समुदाय के लोग रहते थे। तब तात्कालिक नरेश दलपत से कबीले की मुखिया ने जंगली पशुओं से अभय दान मांगा। राजा इसके इलाके में पहुंचे और लोगों को राहत दी। नरेश यहां की आबोहा से प्रभावित होकर बस्तर की बजाय जगतगुड़ा को राजधानी बनाया। राजा ने कबीले की इष्ट देवी कच्छान देवी से अश्विनी अमावस्या पर आशीर्वाद व अनुमति लेकर दशहरा उत्सव प्रारंभ किया। तब से यह प्रथा चली आ रही है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टर्म्स है कच्छनी देवी, है ना, गोचा पर्व, इसको आप ध्यान रखिएगा। तैयारियां, पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या को माच कोट जंगल से लाई गई लकड़ी, है ना, इसको बोला जाता है ठुरलुक खोल्टला पर पाठ जात्रा रस्म के साथ होती है। जात्रा रस्म क्या है ये पूछा जाता है। इसके लिए परंपरा अनुसार बिलोरी जंगल से साल
लकड़ी का गोला लाया जाता है। काश पूजा के बाद इसमें 7 मंगूर मछली की बलि और लाई चना अर्पित किया जाता है। इस साल लकड़ी से ही रथ बनाने की प्रयुक्त औजार का बेठ आदि बनाया जाता है। पाट यात्रा रस्म के बाद बिपिल पाल गांव के ग्रामीण सीरा सार भवन में सरई पेड़ की टहनी को स्थापित कर डोरी गड़ई डेरी गड़ डाई रस्म पूरी के साथ पूरी करने के साथ विशाल रथ निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाती है ना। इसके बाद देखिए काछिन गादी जो है काछिन देवी की गद्दी। बस्तर जो है पूजा बस्तर दशहरा का प्रथम चरण होता है। काछिन गादी बेलों कांटों से तैयार झूला होता है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन काछिन गादी पूजा की विधान होती है। काछिन गादी में मिर्गान जाति की बालिका को काछिन देवी की सवारी आती है जो काछिन गादी पर बैठकर रथ परिचालन व पर्व की अनुमति देती है। अब देखें जोगी मिठाई क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये जितने भी टर्म्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दशहरा निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए किया है। जिस दिन बस्तर दशहरा अपना नवरात्रि कार्यक्रम आरम्भ करता है उसी दिन सिरसार प्राचीन टाउन हॉल में जोगी मिठाई की पूजा है ना प्रथा पूरी की जाती है। जोगी मिठाई के लिए सिरसार के मध्य भाग में एक आदमी की समायत के लायक एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसके अंदर हलवा जाति का एक व्यक्ति लगातार एक दिन योगासन में बैठा रहता है। जोगी मिठाई के दूसरे दिन से रथ चलना शुरू हो जाता है। रथ प्रतिदिन शाम अश्विनी शुक्ल 2 से लेकर के लगातार अश्विनी शुक्ल 9 तक है ना एक निश्चित मार्ग को परिक्रमा करता है और राजमहलों के सिंह द्वार के सामने खड़ा हो जाता है। पहले 12 पहियों वाला रथ होता था, परंतु असुविधा के कारण रथ को 8 और 4 पहिए वाला रथों में विभाजित कर दिया गया। अश्विनी शुक्ल 9 को समापन प्रक्रिया के दूसरे दिन दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। दुर्गाष्टमी के अंतर्गत निशा यात्रा का कार्यक्रम होता है। निशा यात्रा का जुलूस नगर के हितवारी बाजार से लगे पूजा मंडप तक पहुंचता है। 9वें दिन जोगी मिठाई मालवी पर घाव की क्रिया किया जाता है। मालवी घाव क्या है, अर्थ है देवी की स्थापना। मालवी देवी को दंतेश्वरी का ही एक रूप मानते हैं। यह कार्यक्रम के तहत दंतेवाड़ा से श्रद्धा पूर्वक दंतेश्वरी की डोली में लाई गई मालवी की मूर्ति का स्वागत किया जाता है। नए कपड़ों से चंदन का लेप देकर एक मूर्ति बनाई जाती है। उस मूर्ति को पुष्पाच्छादित कर दिया जाता है। विजयदशमी का दिन भीतर रैनी तथा एकादशी के दिन बाहर रैनी के कार्यक्रम होते हैं। दोनों दिन 8 पहियों का विशाल रथ चलता है। निशा यात्रा रस्म में दर्जनों बकरों की बलि आधी रात को दी जाती है। इसमें पुजारी भक्त के साथ राज परिवार सदस्य मौजूद होते हैं। इस रस्म में देवी देवताओं को चढ़ाने वाला 16 है ना कांडव कावर भोग प्रसाद को तोकपाल के राजपुरोहित तैयार करते हैं, जिसे दंतेश्वरी मंदिर के समीप से यात्रा स्थल तक कावड़ में पहुंचाया जाता है। अंतिम पड़ाव, इस पर्व के अंतिम पड़ाव में मुरिया दरबार लगता है जहां मांझी मुखिया और ग्रामीण की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। मुरिया दरबार में पहले समस्याओं का निराकरण राजपरिवार करता था, अब यह जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी निभाते हैं। इसी के साथ साथ गांव-गांव से आए देवी देवताओं की विदाई हो जाती है। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माई की डोली व छत्र को दूसरे दिन नजराने व सम्मान के साथ विदा किया जाता है। इस कार्यक्रम को ओहाड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये था बस्तर का दशहरा। वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।